जब मैं ये कोर्स करने के लिए आई थी तो मुझे सिर्फ प्लैनेट्स ही पता थे, और मैंने सर को बोला ही था कि सर मेरे लिए जो एस्ट्रोलॉजी है वो ज़ीरो है और मुझे कुछ नहीं आता और मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सर ने कहा कि नहीं, आप आइए, आप अच्छे से कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप सब लोगों से मिली तो मुझे बिल्कुल ये पता है कि आप तो किसी और लेवल पर ही काम कर रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये साइंस जो है, बेसिकली मैं अगर कंसल्टेंसी ना भी करूँ तो इस साइंस को मैं बहुत पहले से ही जानना चाहती थी। मेरे घर में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स थी और मैंने पंडितों पे इतने पैसे खराब किए हैं, मेरे घर वाले ही परेशान हो चुके हैं। और फिर मैंने जाके सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे खुद ही सीखनी चाहिए, एटलीस्ट और कहीं नहीं तो मेरी फैमिली में तो काम आएंगी ही आएंगी। प्लस मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा आता है इसमें। और सर ने जिस तरह से पढ़ाया है वो तो अमेजिंग है, और सर इतने अच्छे टीचर हैं, मतलब इनसे पढ़ने के बाद मुझे, मैं आज बल्कि इनको मनीष जी को बोल रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिन के 2 घंटे सर हमें रोज़ ही पढ़ाया करें तो ये कितना अच्छा हो जाएगा। सर इतना साइंटिफिक तरीके से पढ़ाते हैं, इतने डेप्थ से पढ़ा रहे हैं कि मेरे ख्याल से अगर हम वास्तु को कभी मैं फ्यूचर में एक प्रोफेशन भी लेना चाहूँगी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर पाऊँगी। और थैंक यू सो मच सर।